ये जो दृष्टिकोण है राम जी को देखने का, मुझे लगता है अब इसकी आवश्यकता है। तू राम तो देवता है, राम तो भगवान है, तू मनुष्य कैसे राम की तरह? तो जीवन जीने की कला हो राम की तरह, और भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह। कि राम जी सिर्फ अयोध्या के राजा ही नहीं, वो सिर्फ सीता जी के पति ही नहीं, वो सिर्फ रावण के संहारक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विशेषणों के बाद वो ये लिखते हैं कि राम जी हर मनुष्य के लिए एक व्यवहार की किताब है। मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और ये जो दृष्टिकोण है राम जी को देखने का, मुझे लगता है अब इसकी आवश्यकता है। कुछ दिन पहले हम इस पे गीत बना रहे थे, अभी रिलीज नहीं हुआ है इसलिए पूरा तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन उसकी एक पंक्ति जरूर सुनाएंगे हम, कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह। अब पहली लाइन सुन के लोग बोलेंगे, यार ये क्या बोल रहा है तिवारी, तू राम तो देवता है, राम तो भगवान है, तू मनुष्य कैसे राम की तरह? तो जो भाव इनके किताब में है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, जो कि और किसी के साथ नहीं जाती है, तो एक मनुष्य के रूप में उनके बहुत सारे व्यवहार हैं जो अपने अंदर आ जाए तो मनुष्य के लिए व्यवहार की इससे बड़ी कोई रामचरित्र से बड़ा किताब नहीं मिलती है, ऐसा हमको दिखता है। तो जीवन जीने की कला हो राम की तरह, और भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह। अच्छा, तो इसमें हमने दो तीन कथाएं ली। राजा भरत बने पर खड़ा उनका राज था, मैं बताता हूं आपको, कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए, सारी कुछ समस्याएं आई, दशरथ जी रोते बिलखते प्राण दे दिए, लेकिन राजा बना कौन? भरत जी। बन किसको जाना पड़ा? राम जी को। लेकिन उसके अंदर प्रवेश करिए कि भरत जी राजा जरूर बने, लेकिन राजगद्दी पे तो राम जी का खड़ाऊ बैठा हुआ था। अब आजकल जहां भाई भाई में 4 फीट जमीन के लिए गड़ा से चल जाते हो, गोलियां चल जाती हो, वहां भरत को राज मिला और भरत ने बोला हम इस पे बैठेंगे ही नहीं। दुनिया की सारी विद्वान, दुनिया की सारी विद्वता और सारे विद्वान समझाते रह गए। अंत में उन्होंने जनक जी की बात मानी है। मानी क्या? कि चलो मैं नहीं बैठूंगा, राम जी का खड़ाऊ दे दो, इसी को हम राजगद्दी पे बिठा के चला दें। तो भाई का इससे बड़ा व्यवहार तो मुझे नहीं दिखता कि हमारा जो हक है हम उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये भी तो राम जी का चरित्र बताता है। तो राम फिर लौटे, इसका मुझे आशय आता है कि राम जी के चरित्र को जीना है। हम एक प्रसंग पढ़ रहे थे कि राम जी जब सबरी के पास गए, माता सबरी के पास, तो माता सबरी ने पूछा राम जी से कि राम, अगर रावण को नहीं मारना होता तो हमको तुम्हारे दर्शन कैसे होते? तो राम जी ने कहा था कि माता, रावण को तो हमारा भाई लक्ष्मण बाएं पैर के अंगूठे से तीर चला के मार सकता है। रावण को मारने का तो बहाना है, मूलतः हमें सबरी से मिलने आना है ताकि लोगों को पता रहे कि राजा को चल के कैसे किसी के घर तक पहुंचते हैं जहां आशा लगी। तो राम फिर लौटे को मैं सच में एक बहुत बड़ी व्यवहार की किताब मानता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि राम जी तो मंदिर में आ गए, लेकिन राम जी का चरित्र हमारे अंदर कब आएगा? जिस दिन हम सब के अंदर राम जी का 15% भी आ गया, राम जी ने जो जीवन जिया जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम हुए,
तो फिर मेरा मानना है कि राम फिर लौटे, राम हमारे चरित्र में लौटे, राम हमारे व्यवहार में लौटे, राम हमारी सोच में लौटे। बार बार इस पुस्तक में लिखा है राम धर्म है, बल्कि कोई हम लोगों पे आरोप लगा देता है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, तुम लोग तो राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हो। मैंने कहा ये तो पुरस्कार है, क्योंकि हम राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हैं, हम अधर्म का प्रयोग नहीं करते। तो धर्म को देखने का भी एक चश्मा होता है, नज़रिया होता है। इस किताब में एक बड़ी अच्छी बात है कि राम जी का मंदिर जो लगभग 500 वर्षों बाद पुनः बना है, उसमें कब कब क्या घटना घटी है ये भी दिया हुआ है। कब राम जी के मंदिर को ना बनने के लिए बाबरी एक्शन कमेटी बनी, कब किन लोगों ने गणतंत्र दिवस का बहिष्कार किया, ये सारा। तो ये पुस्तक मुझे लगता है हर विद्यार्थी को जो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए राम जी को जानना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी पुस्तक बनेगी। ऐसा सोचते हुए मैं बधाई देता हूँ हेमंत शर्मा जी को कि उन्होंने राम फिर लौटे लिखा है। वैसे तो आप खुद ही में किताब हैं।